हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज का वीडियो कोई किसी के मैं डाउट्स किसी स्टूडेंट के क्लियर नहीं कर रहा हूँ। देर इज़ नथिंग लाइक दिस की बहुत ट्यूटोरियल काइंड ऑफ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है, बट येस ये वीडियो भी अपने आप में एक वन ऑफ द काइंड है, बिकॉज इस वीडियो में मैं डाउट्स उन इनोसेंट अंकल आंटियों के करूँगा क्लियर, जिन्होंने हर जहाजी कैसे ना मतलब क्वेश्चंस पूछ पूछ के उसके मतलब ऐसी तैसी कर रखी है, बुरी होती है, मतलब लेनी कर दी बंदे की तो ऐसी कर रखी है। मैं से भी ये मतलब जो अंकल आंटी हैं ये स्पेसिफिकली होते हैं, ये हर जहाजी जानता है। हर जहाजी से आप पूछो उसकी लाइफ में होंगे ऐसे अंकल आंटी जिन्होंने उससे सेम क्वेश्चन पूछ पूछ के मतलब उसको वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, बिकॉज यार अंकल आंटी हैं, रिस्पेक्ट भी तो करनी है उनको। तुम यू नो उनके सामने तो गुस्सा या वो इरिटेशन तुम्हें होती है, तुम उनके सामने नहीं कर पाते। बट इस वीडियो के यू नो इस वीडियो से एक्चुअली उन लोगों तक अगर वो देखेंगे तो उनके पास सारे आंसर्स पहुंच जाएंगे जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ पूछ के मतलब क्या बोलूँगा मैं, ठीक है। तो इन अंकल आंटी में क्वेश्चंस, अब यार उनकी गलती भी नहीं है बेचारों को, कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी बॉदर करती है कि यार तुम हर बार मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें अपना एग्जाम्पल, जितनी बार मैं शिव से आता हूँ ना लौट के और उनसे मैं अब तो मतलब मैं थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनसे जब भी तुम मिलोगे उनके क्वेश्चंस वही रहेंगे। मतलब 12 साल हो गए मुझे यार, ऑलमोस्ट 11-12 साल से उनके सेम ही क्वेश्चंस हैं। जितनी बार मैं उनसे मिलूंगा मुझसे यही पूछते हैं वो 2-3 क्वेश्चंस जो उनके पेट हैं, पता नहीं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारे लेते हैं तो एक उनका क्वेश्चन है, बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन है जो कि सबसे आपसे पूछा होगा कि बेटा जैसे हम मिलते हैं ना, जब उनसे मिलते हैं तो बोलेंगे बेटा, अच्छा बेटा कब आए आप? बस अंकल अभी जस्ट 1 वीक हुआ है। तो कहा बेटा कैसा रहा आपका ये ट्रिप, कैसा रहा? अंकल बस बहुत बढ़िया अंकल, अच्छे से टाइम निकल गया, सेफली घर आ गए। अच्छा बेटा वेरी गुड। तो बेटा अब वापस कब जाना है? यार अंकल ये मैं पूछा करो कि बेटा वापस कब जाना है। यार बंदा बेचारा अपना 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का 8 महीने का है, किसी का 4 महीने का है, हर बंदा अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन काउंट करता है शिप पर जाके कि यार मेरे इतने दिन हो गए, इतनी बिरयानी मैंने खा ली, अब मैं घर जाऊँगा, मेरा साइन अप होगा। वो बेचारा अपनी ऐसी ऐसी करवा के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वापस आता है, पर आप बेचारा एक हफ्ता आपको बता रहा है ना कि अभी एक हफ्ता पहले आया हूँ, पर आप उससे ये क्वेश्चन पूछते बेटा वापस कब जाओगे? ठीक है आपकी गलती नहीं है, आप पूछ रहे हो, बट अंकल मत पूछा करो, क्यों उसको इरिटेट करते हो बंदे को बेचारे को, वापस चला जाएगा, आपको तकलीफ किसी चीज़ हो रही है, मतलब यहाँ पे अगर वो आके ठहरा है बेचारा अपने घर में आके आपको देखा नहीं आ रहा क्या? रहने तो है अंकल, जीने तो बेचारे को, बच्चे को, बच्चा ही तो है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये है। अच्छा एक कुछ आंटियाँ होती हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो मचेरनी वालों से प्रॉब्लम है या हमारे करियर से प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका, क्या है कि वो किसी भी तरह से ये चाहती हैं हमें प्रूव करना कि भाई तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना जहाज की नौकरी वो कुछ नहीं है, इट्स लाइक टोटली तुम बस बोर हो रहे हो, तुम बहुत बोरिंग लाइफ है तुम्हारी। तो उनका सवाल हमेशा यही रहता है, तो बेटा पानी पानी रहता होगा चारों तरफ है ना, जहाज में तुम करोगे क्या, हो तो दरिया में हो तुम, बीच में अपने शिप पे चारों तरफ पानी ही पानी होता होगा। तो हाँ जी आंटी पानी ही पानी रहता है, क्योंकि जहाज जो है ना वो पानी वाला जहाज है, अब वो हवा वाला जहाज होता है या कोई बस ट्रेन होती तो हम उसे रोड रोड पर भी ले आते, पर क्या करें आंटी पानी का जहाज है तो पानी तो रह ही रहेगा चारों तरफ, बट आंटी काम बहुत होता है करने के जहाज पे, ऐसा नहीं होता कि बंदा जहाज पर चला गया तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो सेलिंग कर रहा है सेलिंग वो नहीं होती, वो सामान लेके जा रहा है कंट्री से दूसरी कंट्री, उसको बहुत काम है तो वो अपने काम में बिजी होता है। तो आप लोग टेंशन ना लिया करो इस बात की कि बेटा चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो आंटी क्या करें पानी का जहाज है। तो खैर कोई बात नहीं, उन आंटियों के लिए भी है ना, आई होप उन लोगों को चीज़ समझ में आएगी है ना, आगे से वो किसी जहाज से नहीं पूछेंगी या उसको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम्हारा तो पानी पानी रहता है चाहो तो तुम करते ही आओ जहाज पे, बोर हो जाते हो गए। एक उनका क्वेश्चन ये है कि जो अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान हो चुके हैं ना, वो हम लोगों को देख कर कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने कोर्सेज कर रहे हैं, उनको हर बार जब वो बेचारे आके हमसे मिलते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते हैं, भाई कोई ना कोई कोर्स चल रहा है मेरा, या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या मुंबई जा रहा हूँ, या मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मेरा कोई कोर्स करना है मुझे। तो उन लोगों के डाउट ये हैं कि यार ये बच्चों के मतलब कितने 7-8 साल हो गए ना मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हुए, इनके कोर्स ही नहीं पूरे हो रहे, उनको ये लगता है कि हम अभी कोर्स ही दे रहे हैं और हर बार एग्ज़ाम देके हम फेल हो जाते हैं, तो हमारे अपने एग्ज़ाम जो है ना वो रिपीटली चल रहे हैं कि कभी कोर्स कर, कभी एग्ज़ाम दे, कभी ये दे वो दे। अंकल ऐसा कुछ नहीं है उनका क्वेश्चन ये होता है कि बेटा तुम्हारी बस पढ़ाई चली जा रही है, तुम्हारी जॉब कब लगेगी? जॉब लग चुकी है अंकल आंटी जी, जॉब लग चुकी है। बंदा कैडेट था, कैडेटशिप नहीं ख़त्म कर कर ऑफिसर बन गया, थर्ड ऑफिसर में सेल कर रहा है, वो कमा रहा है पैसे, वो ये नहीं हो रहा कि वो फेल हो रहा है तो दोबारा कोर्स कर जा रहा है वो, तो उसको ये मत बोलो, ये मत सोचो कि उसकी जॉब नहीं लगी है और वो पढ़ाई कर जा रहा है, उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही।
या उसके एग्जाम खत्म नहीं हो रहे या फिर वो एग्जाम में फेल हो रहा है, वो बेचारा थर्ड ऑफिसर की नौकरी कर रहा है, थर्ड ऑफिसर है वो शिप पे, फिर वो प्रमोशन होता है उसका सेकंड ऑफिसर बन जाता है, सेकंड ऑफिसर बनने के बाद भी उसको फिर चीफ ऑफिसर लेकिन दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एन नंबर ऑफ कोर्सेस करने पड़ते हैं, तब वो जाके चीफ ऑफिसर बनता है। चीफ ऑफिसर के बाद भी वो पढ़ाई करता रहता है कैप्टन बनने के लिए, कोर्सेस करता रहता है, और कैप्टन भी अगर वो बन जाएगा ना तब भी उसके कोर्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल यू नो करियर है, इसमें अगर आपको सेल करना है तो आपको साथ साथ पढ़ाई करते रहोगे आप, आपके कोर्सेज आपके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, आपको अपनी नॉलेज को आप अपग्रेड करते हो रिफ्रेश करते हो, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप ये मत सोचो कि उन बेचारों की नौकरी नहीं लगी है या वो अपने एग्जाम से फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के इन क्वेश्चंस के तो मैंने आंसर कर दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कभी किसी और दिन थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा हूँ तो आप लोगों से शेयर करूँगा। बट प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कल अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो मेरे, मतलब वीडियोज़ पे 300, 400, 600, 800 तो व्यूज़ आ रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार फिर कैसे मन लगेगा यार हमारा, अब थोड़ा तो कर लो यार भाई के लिए अपने, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ चैनल को, और सपोर्ट करते रहो, वीडियो को शेयर करो, एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।